टेक्निकली अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो थोड़ा वीक है, लेकिन एक ही पॉजिटिव बात है कि जो सपोर्ट के एक नजदीक है और सपोर्ट से हमेशा हमने इस पर्टिकुलर काउंटर में बाउंस बैक आते हुए देखा है। और ये जो सपोर्ट का लेवल मैं कह रहा हूँ वो करीबन 315-310 के लेवल के करीब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूँ कि होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं है, होल्ड करना चाहिए जिनके पास ये स्टॉक है और ये पोजिशनल व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए 315 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। चला गया तो सर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक आ सकता है करीबन 340 तक, पहला टारगेट रहेगा। और अगर 340 का बहुत ही स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है, इसको 340 को तोड़ता है तो 355 तक जा सकता है, लेकिन 340 तक ही पहला टारगेट पकड़ के चल सकता है। चलिए 340 का टारगेट है, 315 का एक स्टॉप लॉस है, यानी कि रेंज मोटी मोटी समझ लीजिए दोनों। तो जो फेवरेट सेक्टर है मार्केट में वो फार्मा ही है, अच्छी दौड़ लगा रहे हैं कंपनियां, लेकिन ल्यूपिन नतीजों से पहले जो इस हफ्ते आने वाले हैं उससे पहले टेक्निकल आधार पर बताएं क्या टारगेट्स रखें क्या स्टॉप लॉस। रजत जी, इसका चार्ट अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर 2018 से लेके एक रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर का लेवल जो है इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का वो है 900-910 के करीब, और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो 840 और 860 के बीच में ये एक रेंज है। और मैं मानता हूं कि ये पिछले कुछ दिनों में हम इसमें जो उछाल देख रहे हैं, हो सकता है ये 900-910 तक जाने की संभावना है। तो जिनके पास ये स्टॉक है डेफिनेटली होल्ड करें, जैसे 900-910 के करीब आता है तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी या उस लेवल पे एग्जिट होने की सलाह होगी। फिलहाल जिनके पास ये स्टॉक है 865 का स्टॉप लॉस लगा के मैं उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। चलिए 865 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो। शाम आप आशीष जी एक बार टारगेट्स देके बताएं टाटा मोटर्स के कहां तक जा सकता है सर ये? टाटा मोटर्स का चार्ट अगर हम देखते हैं तो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, हालांकि ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। मैं मानता हूं अभी ये जो 183-182 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है टेक्निकली वो है करीबन 192 का, तो यहां से 10 रुपए का उछाल इसमें आ सकता है। तो जिनके पास है मैं उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा, फ्रेश पोजीशन इसमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेनी है तो डेफिनेटली 200 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको ब्रेकआउट मिल गया तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन सकता है और उस केस में 225-230 तक वापस ये स्टॉक उछाल मार सकता है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, 192 का पहला लक्ष्य रहेगा और इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो रहेगा करीबन 173 का। देवांशी दो अलग अलग सेक्टर से अगले नतीजे, एक है सिप्ला टारगेट्स ब्रिटानिया के सर, और अगर सिप्ला भी बेहतर लग रहा है तो वो भी बता दीजिए। बेसिकली सिप्ला तो मैं थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर उतना लुक्रेटिव नहीं है अगर मैं कंपेयर करता हूँ ब्रिटानिया के साथ। तो ब्रिटानिया का अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर मैं देखता हूँ तो ये एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। पहला लक्ष्य जो निकल के आ रहा है वो है 3320 का, 3320 का पहला लक्ष्य पकड़ के जिनके पास ये स्टॉक है होल्ड करने की सलाह होगी। जिनको नई खरीदारी करनी है मैं मानता हूँ थोड़ा रुक जाए, 3320 का एक स्तर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अगर टूट जाता है तो वापस ये स्टॉक 3400 तक भी छलांग लगा सकता है। तो खरीदारी की नई खरीदारी करनी है तो 3300 के ऊपर, 3320 के ऊपर खरीदारी करने की सलाह होगी। फिलहाल के लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 3180 का। चलिए बहुत शुक्रिया आशीष जी और साथ साथ अविनाश जी आपका रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए, बताने के लिए कि कौन से ऐसे शेयर किया जाए। बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है सर, कुछ बाउंस बैक आएगा, निकलने की अपॉर्चुनिटी है क्या? मैं मानता हूं कि एक बाउंस बैक आने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था 450 रुपए का जो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने तोड़ा नहीं है, वहां से एक बहुत वापस बाउंस बैक आते हुए देखा हमने, लेकिन उसके बाद गिरावट है। 513 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मैं मानता हूं होल्ड करके रखना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 495 का लगाना चाहिए। अगर 495 के नीचे फिसलता है ये स्टॉक तो 450 और उसके बाद करीबन 410 तक ये स्टॉक आने की संभावना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा 495 का, तो वो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे। अगर एक अच्छा बाउंस बैक मिलता है तो स्टॉक 580 तक जा सकता है और वहां पे एग्जिट करने की सलाह हो। 495 का स्टॉप लॉस और 580 तक अगर पहुंच जाए तो अपनी पोजीशंस को काट लीजिए, कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल इस स्पेस। 238 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में, खरीद भाव है 240, वहां से नीचे अभी 180 पे ट्रेड करना कर रहा है स्टॉक, क्या करना चाहिए सर? बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से एग्जिट करने की ही सलाह होगी क्योंकि यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है था करीबन 185 का, वो भी उसने तोड़ दिया है और मैं मानता हूँ कि चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक करीबन और भी नीचे जाने की संभावना है, 171 और 165 के अगले लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे, तो एग्जिट होने में बेहतरीन रहेगा। चलिए अशोक लेलैंड इसके ऊपर सवाल है महेश जी का, और ये जानना चाहते हैं कि 100 शेयर तो खरीद लिए लेकिन जो खरीद भाव है 95 के भाव पे यहाँ पर खरीदे अशोक लेलैंड, क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड पे? अशोक लेलैंड भी चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ और जो पहला लक्ष्य चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है वो है करीबन 78 और 73 का, तो अभी भी नीचे गिरावट होने की संभावना है, मैं मानता हूँ तुरंत एग्जिट होना बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगा।
शुक्रिया, इस शो में इतने सवाल शामिल कर पाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए।